आज जो आप लोगों को वीडियो मिलने जा रही है वो मिलने जा रही है प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण का, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अगर देखा जाए तो थर्ड सेमेस्टर का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कुछ प्रमुख फलनों के प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण दिए हैं, जैसे पहले का दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है, पहला नंबर से लेके चलते हैं, तो ये दिया हुआ है आपके पास लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस, इसका होता है वन, ठीक है। अगर आपने शायद लाप्लास पढ़ा है तो वन का वन अपॉन एस होता था, इसमें इनवर्स वाले में वन अपॉन एस का वन होता है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा देखिए दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है लाप्लास इनवर्स कह रहा है, कह रहा वन अपॉन एस स्क्वायर, कह रहा इसका जो फलन होगा वो होगा टी, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा देखो कह रहा है, तीसरा दिया हुआ कह रहा लाप्लास इनवर्स, कह रहा वन अपॉन एस एन प्लस वन, एस की पावर में एन प्लस वन है, कह रहा इसका जो लाप्लास ट्रांसफार रूपांतरण होगा वो होगा टी की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो सकता है, या एक चीज और इसी को हम लिख सकते हैं टी की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी का चौथा नंबर है, इसका चौथा नंबर क्या लाप्लास इनवर्स है और कह रहा वन अपॉन एस माइनस ए, इसका कह रहा फलन क्या होगा, इसका फलन भी दे रखा, कह रहा इसका फलन होगा ई की पावर ए टी, ठीक है। हम लोग पढ़ के आए होंगे लाप्लास पे कि ये दिया होता था ये बना के लाना होता था, ठीक है, एस माइनस ए करना होता था, वो इसका ये है, ठीक है। देखिए पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा है लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कह रहा इसका जो फलन दे रखा है वो कह रहा है फलन इसका होगा वन अपॉन ए होगा और साइन ए टी होगा, ठीक है, वन अपॉन ए साइन ए टी होगा। इसके बाद देखिए छठवा नंबर क्या कह रहा है, छठवा नंबर कह रहा है कि लाप्लास इनवर्स कह रहा है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और कह रहा इसका मान क्या दे रहा है, इसका लाप्लास प्रतिलोम फलन क्या दे रहा है, कह रहा कॉस ए टी, इसका कॉस ए टी दे रहा है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम सातवें को देखना चाहें, सातवें का देखिए सातवें क्या कह रहा है, कह रहा लाप्लास इनवर्स है, इसके बाद वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए इसका जो फलन दे रखा वो कह रहा है वन अपॉन ए हो जाएगा हाइपरबोलिक साइन ए टी हो जाएगा, ठीक है। हम जब इसको पढ़ते हैं ये हाइपरबोलिक का चिन्ह होता है, ठीक है, हाइपरबोलिक साइन ए टी हो जाएगा। अब देखिए आठवां नंबर देख लीजिए, एक चीज़ तो आठवें को थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, आठवें का जो फलन दे रखा है वो थोड़ा गलत दे रखा है, ये होगा लाप्लास इनवर्स होगा, ये हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, यहाँ पे प्लस दे रखा है किताब में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा और इसका मान होता है हाइपरबोलिक कॉस ए टी, ठीक है। इसी प्रकार नवे पे चलते हैं, नवा नंबर जो है, नवा नंबर कह रहा है लाप्लास इनवर्स एफ एस माइनस ए बराबर होता है ई की पावर ए टी इंटू एफ टी होता है, ठीक। अब देखिए दसवां नंबर भी दे रखा है, दसवां नंबर भी देख लेते हैं, दसवां नंबर क्या कह रहा है, दसवां नंबर कह रहा है लाप्लास इनवर्स एफ एस अपॉन एस, अगर इस प्रकार का फलन दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन जीरो से टी हो जाएगा, ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स एफ एस डी टी हो जाएगा, ठीक है। या इसी को एक प्रकार से और लिख सकते हैं, या करके लिख सकते हैं इंटीग्रेशन जीरो से टी हो जाएगा एफ एक्स
डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये तो हुए थे कुछ प्रमुख फलनों के लाप्लास रूपांतरण, ठीक है। अब चलते हैं महत्वपूर्ण गुण, हेडिंग डाल लेते हैं महत्वपूर्ण गुण, मतलब अगर इंग्लिश में करना चाहें तो ये हो जाएगा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो देखिए क्या कह रही है, पहली प्रॉपर्टी है रैखिक गुण की, रैखिक गुण। रैखिक गुण क्या है, इंग्लिश में कहेंगे लीनियर, लीनियर प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए लीनियर प्रॉपर्टी क्या कह रही है, लीनियर प्रॉपर्टी क्या कह रही है, लीनियर प्रॉपर्टी कह रही है कि लाप्लास इनवर्स सी वन एफ वन एच प्लस माइनस सी टू एफ टू एस प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट, इसको हम लिख सकते हैं सी वन लाप्लास इनवर्स एफ वन एस प्लस सी टू लाप्लास इनवर्स एफ टू एस प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट, इसको हम ये लिख सकते हैं। मतलब कि अगर इस प्रकार की प्रॉपर्टी दिया हो, प्लस माइनस का मतलब इसलिए है कि अगर प्रॉपर्टी प्लस में दिया हो तो हम प्लस लेते हुए चलेंगे, अगर माइनस दिया है तो हम माइनस लेते चलेंगे। जैसे यहाँ प्लस दिया तो पूरा प्लस ले लेंगे, माइनस दिया तो पूरा माइनस लेके चलेंगे। और जब ये दिया हो रखा है तो हम इसको लिखते क्या है, सी वन को अलग कर लेंगे, लाप्लास इनवर्स लगा लेंगे और एफ वन एस कर लेंगे, प्लस या माइनस जो भी दिया हो प्लस माइनस हो जाएगा, सी टू को बाहर कर लेंगे, लाप्लास इनवर्स लगाएंगे, एफ टू एस दिया होगा, ठीक है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। इसी का अगर हम उदाहरण देखना चाहें, देखिए हम इसी का एग्जाम्पल एक हम ले लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन अगर दिया हो वन अपॉन एस माइनस थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन प्लस फाइव एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस सोलह, अगर ये दिया हुआ हो तो हमें करना क्या है। सबसे पहली बात तो देखिए, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया हो, सबसे पहले अगर लाप्लास का है तो उसको लाप्लास के रूप में लिख लें, लाप्लास इनवर्स है तो उसको लाप्लास इनवर्स के रूप में लिख लें, तभी वो क्वेश्चन हल हो सकता है। तो हल करने से पहले इसको हम सबसे पहले लाप्लास इनवर्स के रूप में ट्रांसफ़र कर लें। ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस माइनस थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन प्लस फाइव एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस सोलह। अब ये हमारा लाप्लास में कन्वर्ट हो चुका है। अब करना क्या है, अगर देखिए अगर हम एक साथ इसको हल कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो करें क्या, हम इसको अलग अलग लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग भी हम इसको लिख सकते हैं। लिखना कैसे अलग अलग, देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको करना क्या है। लाप्लास लेना है, लाप्लास इनवर्स हो जाएगा, इस चीज़ को अलग कर लें, वन अपॉन एस सबको लाप्लास के साथ में लिखना है ना, माइनस लगा लें लाप्लास इनवर्स, इसको भी अलग लिख लें, थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन हो जाएगा, ये प्लस लाप्लास इनवर्स हो जाएगा, फाइव एस अपॉन हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस सोलह हो जाएगा। ये हर चीज़ हमारी अलग अलग हो गई। जब अलग हो गया तो देखिए अब हमें इस चीज़ का मान तो पता है, ये क्या होता है, अभी हमने फार्मूला लिखा है, देखिए हम आपको ले चलते हैं। यही लिखा हुआ है, इसका मान वन होता है, हम लिख सकते हैं इसका मान क्या हो जाएगा, तो हमारे पास इस चीज़ का मान तो हो गया वन, ठीक है। फिर माइनस लगाए, माइनस लगाए ले रहे, ठीक है। जब माइनस लगी, अब देखिए हमें इस चीज़ का भी मान पता होना चाहिए, क्या होता है इस चीज़ का मान बता सकते हैं, अगर नहीं तो देखिए इधर देखिए फार्मूले की तरफ देखते हैं, फार्मूला क्या कहता है, देखिए ये फार्मूला बनता है हमारा, ये चीज़ लिखी है ना,
यही लिखिए। देखिए ये फार्मूला लगेगा 1/s² + a² ठीक है। फार्मूला हमारा ये लगे, इसका मान होता है 1/a sin at, 1/a sin at होता है ठीक है। देखिए अगर हम इसके 3 को बाहर निकाल लें, इधर देखें इधर साइड में, अगर इसके हम 3 को बाहर निकाल लें तो यहाँ पे बच जाएगा क्या 1/s² + 3 का स्क्वायर, 3 3 9 हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा। और इस चीज़ का मान क्या, इसका मान क्या दिया होता है 1/a, और ये क्या होता है sin at, a मतलब हमारे पास ये ऐड किया गया है तो 3 at हो जाएगा। ये 3 बाहर निकाला था a हमारे पास 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, (3) हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, sin at हो जाएगा, मतलब sin 3t हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -sin 3t, ये 3t हो गया ठीक है। अब देखिए अब बात आती है इस चीज़ की, 5s/s² + 16। अब देखिए अगर हम इस 5 को बाहर कर लें, चलिए अभी हम बाहर की ले रहे, ये 5 हमारा हो गया बाहर। अब बचा क्या s/s² + 16, देखिए +16 आया है, s/s² + 16 आया है। तो अगर हम इधर पे निगाह मारें तो देखिए s/s² + a² और यहाँ भी क्या कह रहा है प्लस कह रहा है। इसका मतलब फार्मूला हमारा क्या बना cos at का फार्मूला लगेगा। और a का मान यहाँ क्या दे रखा है 4 है, तो ये हमारा 5 cos a का मतलब 4 into t, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ये चीज हमारा आंसर होना चाहिए ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, हल हो गया। चलते हैं आगे प्रॉपर्टी पे। देखिए अगला है प्रथम स्थानांतरी गुण, मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। हम लोग लाप्लास में भी पढ़ के आए होंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी f(s-a) करके ठीक है। उसी प्रकार इसको इसकी प्रॉपर्टी क्या कही, देखिए प्रॉपर्टी कह रही यदि, कह रहा है यदि, यदि कह रहा है लाप्लास इनवर्स, अगर आपके पास f(s) दिया हो तो उसको सबसे पहले आप ft निकाल लेंगे। अगर fs टाइप का कोई आपका फलन दे रखा हो तो उसकी ft हम तुरंत निकाल लेंगे। देखिए जब ft निकालने के बाद करते हैं क्या, कहता है तो ft तो हमने निकाल लिया है ठीक है, इसके बाद हमको करना क्या है, फिर उस पर करना क्या, फिर उसका लाप्लास इनवर्स करना है, इसके बाद f(s-a) उसका निकाल लेना है, उसका s-a निकाल लेना है। इतना जब निकाल लें, इसके निकालने के बाद आपको s-a निकाला, इसके बाद आपको क्योंकि शिफ्टिंग पे है तो e^at को भी निकालना होगा आपको, फिर आपके पास बचेगा लाप्लास इनवर्स, लाप्लास इनवर्स आपके पास बचेगा f(s) बच जाएगा ठीक है। या अगर एक हिसाब से हम दर्शाना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा e^at (ft), लास्ट में जो बचेगा e^at (ft) वही हमारा फाइनल आंसर होगा ठीक है। तो चलते हैं एक उदाहरण की तरफ, मतलब प्रॉपर्टी क्या कह रही है ये ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टी कह रही है अगर आपके पास कोई इस प्रकार का फलन दिया हो तो सबसे पहले उस फलन से आप ft निकालेंगे। ft निकालने के बाद उस पर करना क्या, जब ft निकाल लेंगे तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, फिर ये देखेंगे हम उस पर क्या चीज़ शिफ्ट होके आया है, तो लाप्लास इनवर्स f(s-a) को भी हम प्राप्त करेंगे। जब इतना हम प्राप्त करते हैं, हमें जब ये पता चल जाए इस पर शिफ्ट क्या हुआ है, 2 शिफ्ट हुआ है कि t शिफ्ट हुआ है कि 1 शिफ्ट हुआ है, तो उसको e^at के रूप में बना लेंगे। और फिर आपका लाप्लास fs बच जाएगा, fs जो बचेगा उसका जो हमारे पास ft निकला e^at (ft) रख लेंगे। चलिए एक उदाहरण से ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा हो, कह रहा है लाप्लास इनवर्स दे रखा है, s+2 दे रखा है (s²-4s+13) दे रखा है। अगर ये हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है, मतलब क्या, ये हमारा fs दे रखा है ठीक है, ये हमारा fs दे रखा है। अब करना क्या है, हमको इसका ft निकाल के लेके चलना है। तो चलिए हम इसका ft निकाल लेते हैं। तो ये फलन दे रखा है, देखिए अगर हम इस फलन को लाप्लास इनवर्स
एस प्लस टू अपान एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस फोर प्लस नाइन। हम क्या इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते बेटा? लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्योंकि नौ चार तेरह ही होता है, ठीक है। अगर इस प्रकार लिखे तो एक काम करो, इसको कोष्ठक भी कर लो, ये दोनों एक तरफ हो जाए, ठीक है। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और देखिए, अगर हम इसको जब इस प्रकार से लिख सकते हैं तो क्या हम इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते? लाप्लास इनवर्स एस प्लस टू अपॉन एस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर। कि हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, इस वाले फलन को लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? देखिए, एस स्क्वायर माइनस फोर एस है, ठीक है। अगर हम इसको इस प्रकार से लिखे हैं और अगर हम इसको तोड़ना चाहें, एस माइनस टू का होल स्क्वायर लिखें, देखिए सीधे पूरा यही आ जाएगा, ठीक। देखते रहिएगा, पूरा फलन यही बन के आएगा। ये होगा एस स्क्वायर प्लस फोर और ये हो जाएगा माइनस माइनस का फोर एस। अगर इसका फार्मूला तुम्हें आता है, देखो पूरा यही फलन लिख के आया कि नहीं आया, ये आया तो इसका ये हो गया फोर, ये तो हमने इसको स्क्वायर पे कर लिया है। इस प्रकार की स्क्वायर में हमने इसको बना के इसको इस प्रकार कर लिया, तीन का स्क्वायर कर दिया है, तो हमारा कुल मिला के एफ एस माइनस ए के फलन पे कन्वर्ट हो गया है। अभी देखिए, अभी भी इसमें बहुत खिलवा की है, अभी तो हमको करना और आगे है, इसको हम लाप्लास इनवर्स कर लेते हैं। देखिए, क्या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं? देखना, एस माइनस टू प्लस फोर अपॉन एस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर। हमने इसको इस प्रकार लिख लिया, हमने इस पे दो को घटा दिया है और चार को जोड़ दिया, ठीक है। जब अगर हम इसको काटना चाहें, दो से घटेगा प्लस टू आएगा, यही आ जाएगा कि नहीं आएगा? इसीलिए हमने इस पे दो को घटा दिया है, चार ऐड कर दिया, ठीक। अब एक काम करना है, सिर्फ इसको करना क्या है, इन सभी को अलग अलग रूप में लिख लेना है। अलग अलग लिखना तो आ ही जाएगा, चलिए नहीं आता है फिर भी हम लिख के दिखाते हैं। लाप्लास इनवर्स, लाप्लास इनवर्स चलता रहेगा जब तक हम अपना क्वेश्चन पूरी तरह से हल नहीं कर लेंगे, ये लगाना ना भूलें। ये हो जाएगा एस माइनस टू अपॉन एस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर। ये तो हमारे दोनों में है ना, इसलिए दोनों में लेके चलेंगे। ये आ जाएगा प्लस, लाप्लास इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर अपॉन एस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, ठीक है। देखिए, अब तो ये हमारा उम्मीद भर में क्वेश्चन सोल्यूशन की तरफ है, आप भी ध्यान दे सकते हैं कि बिल्कुल सोल्यूशन पर है क्वेश्चन। अगर गौर से देखें तो हमको इसको ये निकालना है एफ एस माइनस ए, इस पे क्या ऐड किया गया है। अगर हम एक हिसाब से देखें तो इस पे ये दो ऐड किए गए हैं, इसका मतलब e की पावर टू टी बनेगा जाके हमारे पास, e की पावर टू टी। तो क्या हम इसको लिख नहीं सकते e की पावर टू टी? क्योंकि s माइनस ए, ए का मतलब दो है यहाँ पे, तो e की पावर टू टी हो गया। अंदर क्या बच गया हमारे पास, अंदर क्या बचा? देखिए गौर से समझिए, लाप्लास इनवर्स लगाइएगा, यहाँ से s माइनस टू निकला, मतलब टू निकला, तो यहाँ बचा s। देखिए यहाँ भी ऐड किया गया था, ध्यान देना, यहाँ भी ऐड किया गया था, तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, ठीक है। अब बात हम इस चीज की करें, देखिए एक चीज बहुत आराम से, अगर आप इस चीज की बात कर रहे हैं तो जरा गौर से समझिएगा। अगर मैं इस फोर को बाहर निकाल लूं, देखिए कैसे, प्लस फोर लाप्लास इनवर्स, हमारे पास ऊपर बच जाएगा वन अपॉन बचेगा एस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी गौर से देखिए, अगर इस चीज़ को हमने निकाला तो यहाँ ई की पावर टू टी यहाँ भी बन रहा, क्योंकि टू इस पे ऐड किया गया है, बन रहा है टू इस पे ऐड किया गया है ना। जब 2 ऐड किया गया है तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए
ये तुम्हारे पास आके e की पावर 2t हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स। अगर आप लाप्लास इनवर्स ना लगाएं, अब देखिए इस फार्मूला ये हमारा बना है, ये फार्मूला बना है, ये बना है कॉश 3t का फार्मूला बन गया। देखिए चाहिए s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हमारा कॉश कॉस 80 का फार्मूला हुआ, ये फार्मूला, ये फार्मूला हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस कॉस 3t, कॉस 3t हो गया। अब देखिए प्लस, अगर एक हिसाब से ये भी हमारे पास क्या निकला जाके e की पावर 2t निकला, प्लस 4 प्लस नहीं सॉरी e की पावर 2t होगा इंटू 4, 4 आगे आ सकता है, लाप्लास इनवर्स हो जाएगा, थोड़ी आगे ले आना पीछे लग गया है, लाप्लास इनवर्स हो जाएगा। अब आप क्या बचेगा, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3, ठीक। अब देखिए इस चीज को गौर से देखिएगा, इस चीज को गौर से देखिएगा, ये हमारा फार्मूला बन काहे फार्मूला ये बन रहा है, देखिए साइन का फार्मूला शायद बनेगा जाके। तो साइन होता क्या है, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1 अपॉन पे है, ठीक है, ये बनेगा 1 अपॉन साइन। तो हम इसको लिख सकते हैं e की पावर 2t cos 3t, 1 अपॉन पे बनेगा जाके, 1 अपॉन पे बनेगा, तो 1 अपॉन पे बन रहा है, यहाँ a आ गया, तो ये हो जाएगा प्लस 4/3 e की पावर 2t। अब देखिए ये साइन का बनाया जाएगा तो साइन 3t हो जाएगा, साइन 3t हो गया, जो लास्ट में बचा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए अगली प्रॉपर्टी है अवकल गुणांकों का प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण, इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, इसकी प्रॉपर्टी कह रही है यदि यदि हमारे पास कोई लाप्लास इनवर्स fs दिया हुआ है तो सबसे पहले हम ft निकाल लेंगे, ठीक है, ये तो कॉमन है, ft आपको निकालना ही पड़ेगा, वो जरूरी है। ft निकालने के बाद आपको करना क्या है, अगर लाप्लास इनवर्स है जब यही करना है तो d/ds इंटू fs, ठीक, इतना हम कर लेंगे। इसके करने के बाद कह रहा है माइनस लगाइए 1/t करिए, ये तो आपका d/ds करेंगे, जो भी फलन दिया होगा fs के रूप में उसको d/ds के रूप में रख लेंगे, और इसका जो रूपांतरण आएगा कह रहा 1/t हो जाएगा, लाप्लास लगाइएगा, इसके बाद जो बच रहा है d/ds इंटू fs कर लीजिएगा, ठीक है, इतना करना है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल कह रहा है लाप्लास इनवर्स कह रहा है tan इनवर्स 1/s का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। अब देखिए इसका मान ज्ञात करना है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको सबसे पहले करते क्या है हम लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा लाप्लास इनवर्स tan इनवर्स 1/s। अब देखिए इस चीज को हो गया, ये तो हमारा लिख गया, अब करना क्या, हमको सीधे इस रूप में इसको परिवर्तित कर लेना है, तो करना क्या है -1/t सबसे पहले कर लेना है आपको, -1/t सबसे पहले कर लेना, इसके बाद क्या कह रहा, कह रहा देखिए लाप्लास लगाइए और इस fs को ही इस रूप में लिख लीजिए, मतलब d/ds और tan इनवर्स 1/s कर लीजिए, ठीक है, लिख गया। अब सिर्फ इसका तुमको अवकलन करना है, ठीक है, इसका अवकलन क्या होता है, देखिए इसका अवकलन होता क्या मैं बता दे रहा हूँ, मैं किए दे रहा हूँ, तो चलिए ये देखिए -1/t आपका जैसा था वैसा आ जाएगा,
लाप्लास इनवर्स, ठीक है, इसका जो अवकलन होता है, ये एक फार्मूला होता है, इसका होता है वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है, ये इसका अवकलन था। और दूसरी चीज, अभी तो हमने सिर्फ इसी का किया है ना, इसका के लिए किया है, अभी तो हमको इसका करना बाकी है, तो इसका मान क्या आएगा? देखिए, इसका जब करेंगे तो यह आ जाएगा इंटू माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर, यही आएगा, माइनस पे ही आएगा। देखिए, अगर अवकलन हम लोगों ने किया है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर अवकलन आप लोगों ने किया है डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन वाला अगर आप लोगों ने अवकलन किया, ये होता क्या है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, ये फार्मूला होता है अवकलन का। अगर देखिए इस चीज़ का हम अवकलन करें वन अपॉन एस का, तो वन अपॉन एस को हम लिख सकते हैं एस की पावर माइनस वन, इसको ऊपर ले गए ले गए। अब इसका डी अपॉन डी एस निकालना है, देखिए इसका हम डी अपॉन डी एस निकालें, फार्मूला होता है कह रहा है एन, एन क्या होता है, एन हो गया हमारे पास ये, तो ये हो गया माइनस वन हो गया, फिर कह रहा है एक्स की पावर, तो इसका मतलब एस, यहाँ एस है तो एस की पावर क्या हो गया, एन माइनस वन, फिर कह रहा है माइनस वन, तो आ गया माइनस एस की पावर माइनस टू, क्योंकि हम इसका निकाल के लेके चल रहे हैं, इसको ऊपर किए, तो इसको जब नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा वन वन अपॉन एस स्क्वायर, वो भी माइनस का, तो देखो यही हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब इसका हम लास्ट आशा ले लें, तो ये आ जाएगा माइनस का वन अपॉन टी, इसका लासा लेंगे, ये हमारा ऊपर चला जाएगा, देखिए ये आ जाएगा लाप्लास इनवर्स, ये ऊपर चला जाएगा एस स्क्वायर, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस वन इंटू माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर, ये कैंसिल, माइनस आगे आ जाएगा तो प्लस पे हो जाएगा, ये आ जाएगा वन अपॉन टी। आप देखिए लाप्लास इनवर्स लगाइए, ऊपर क्या बचा, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन बचा, कितना बचा, अब देखिए हम लोग जानते हैं इसका मान क्या होता है, साइन टी, ठीक है, तो लिख सकते हैं साइन टी बटे में टी, तो यही हमारा फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर यही है। चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पर, देखिए अगली प्रॉपर्टी समाकलन का प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण, ठीक है, देखिए इस चीज़ की बात हम कर रहे हैं, समाकलन का प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल की, तो देखिए हम इसको लेके चलते हैं, तो ये कहता क्या है, यदि यदि आपके पास लाप्लास इनवर्स है एफ एस दिया हो तो आपको एफ टी निकालना है, ठीक है, इसके बाद करना क्या है, इसके बाद आपको सीधे लाप्लास इनवर्स, अगर इस प्रकार का आपका ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, ये ऐसे इनफाइनाइट दे रखा है, उसको एफ एक्स डी एक्स दे रखा हो, तो आपको सिर्फ करना क्या है, इसको एफ टी अपॉन टी पे चेंज कर लेना है, इतने पे चेंज कर लेंगे, चेंज करने के बाद करना क्या है, अगर ये इतना ही आप कर लिए तो समझिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, या तो इतना कर ले, या आप एक काम करें एफ टी बराबर करें लाप्लास इनवर्स के और आपका एफ एस जो दे रखा है उसको निकाल लें, या इंटू टी करें लाप्लास इनवर्स दे रखा है और इसको आपको इंटीग्रेशन करना है एस से इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स तक, इतना ही आपको करना है। अब चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दें, ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइज के कोई क्वेश्चन, देखिए एक्सरसाइज रखी है 15.1, इस पर क्वेश्चन बहुत दे रखे हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखिए देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये देखिए इधर भी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं बताए जा सकते, इसलिए कुछ ही क्वेश्चन बताए जाएंगे, बाकी आप लोग लगाइएगा, जैसे पहले का पहला हम बता दे रहे हैं, बाकी छोड़ देंगे,
दूसरा बता दिया जाएगा, तीसरा बता दिया जाएगा, इसी प्रकार जो क्वेश्चन समझ में आते हैं वो बता दिए जाएंगे, बाकी आप लोग लगाइएगा। तो चलिए हम चलते हैं पहले पे। अगर समझ जाए तो देखिए आपको करना क्या है, पहले क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं इस वाले की। अगर इसको हम एक फार्मूला बताए थे, अगर आपको याद हो तो, टी की पावर एन वाला, ठीक है, क्या होता है, अगर वो फार्मूला जानते हैं तुरंत लगा लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा टी की पावर 4/24। देखिए कैसे आए, ये देखिए आपके पास लिखा रखा है, तो इसको हल करना है। तो देखिए क्या हम इसको सबसे पहले लाप्लास पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि सब बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में लिखने पे, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में लिखने पे। तो ये हो जाएगा 1/(s^5) हो जाएगा। अब देखिए अगर हम लोगों ने फैक्टोरियल वाला फार्मूला पढ़ा है तो आराम से ये क्वेश्चन हल हो सकते हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो बेटा नहीं कर पाएंगे। देखिए इस चीज़ में हमारे पास फार्मूला यूज होगा ये वाला, देखिए ये वाला फार्मूला यूज होगा, टी की पावर एन, ये ठीक है। तो ये फार्मूला यूज करके इसको हल करते हैं, तो देखिए हल होता है क्वेश्चन। तो ये हमारे पास आ जाएगा टी की पावर 5-1/(4)/4 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल के, ये हो जाएगा टी की पावर 4/(4)/4 को तोड़ोगे 4×3×2, तो ये आ जाएगा टी की पावर 4/3×4 या 3×2=24 कर लो, 3×4=12, 12×2=24 कर लो, तो ये आ जाएगा 24। यहाँ से आपका आंसर प्राप्त होता है आपको, कितना छोटा सा क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लाप्लास इनवर्स दे रखा है आपका, कह रहा है 2s²-4s+5/ कह रहा है s³, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन पे निगाह डालें तो क्या होता है। देखिए क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, देखते जाइएगा हम कैसे लिख रहे हैं। लाप्लास इनवर्स ये 2s²/s³ के रूप में लिख सकते हैं, -4s/s³ के रूप में लिख सकते हैं, +5/s³ में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि ये सभी के बटे में है, तो इसको हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये 2 घात से ये 1 घात कटेगी, 1 घात बचेगी, इससे यहाँ घात कटेगी, 2 घात बचेगी, बचेगी कि नहीं बचेगी, बचेगी बिल्कुल बचेगी। देखिए अगर ये कटा तो कैसे लिख सकते हैं इसको, हम इसको हम लिख सकते हैं सबको अलग अलग कर लो, लाप्लास इनवर्स के रूप में हो गया, ठीक है। इससे 2 बाहर कर लो, ये 2 यहाँ पे आ गया, अब क्या बचा यहाँ पे 1/(s) बच गया, बचा माइनस, इससे 4 बाहर निकाल लो, लाप्लास इनवर्स लगाओ, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1/(1)/1 कटी थी s² हो गया, प्लस अब देखो इससे 5 को बाहर लिया, लाप्लास इनवर्स लगाओ, ये बचा 1/(s³ बचा, बचा देखो ये तो सभी को पता है इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा और इसका मान क्या होगा, पता है। अगर नहीं पता देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 2×1, इसका मान 1 होता है, -4×, इसका मान टी होता है, × t हो गया, +5, अगर इसका निकालना चाहेंगे तो देखिए इसका आएगा 5 तो बाहर ही था, ये आ जाएगा t²/2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सरल कर लो, इसको सरल कर लीजिए, देखिए इसको जब सरल करेंगे ये हो जाएगा 2 - 4t और +5/2t², ठीक है। फैक्टोरियल 2 है, मतलब फैक्टोरियल 2 है, इसको जब तोड़ोगे 2×1 आएगा, फैक्टोरियल 2 को जब तोड़ोगे 2×1, इसका मतलब 2 आ गया, तो ये आपका 2 निकला, और यही जो आया है यही आपका आंसर भी है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है का मान बताओ,
पहला कह रहा है लाप्लास इनवर्स टैन इनवर्स वन अपॉन एस है, और दूसरा कह लाप्लास वन पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये तो हम लोग अभी आगे लगा चुके हैं। ठीक है, ये अभी हम लोग आगे लगा के आए एग्जाम्पल में, तो ये तो आप लोग लगा लीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम हल किए दे रहे हैं, ये हो सकता है लास्ट क्वेश्चन हो, इसके आगे कोई वीडियो आता है तो ठीक है, नहीं तो इसके आगे आपका जो भी वीडियो आएगा वो फोर ईयर का होगा, देख लीजिएगा। तो देखिए इस चीज़ की क्वेश्चन की बात करते हैं इसको, तो इसको हम सोल्यूशन पे लेके चले, सोल्यूशन पे। अब देखिए सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं लाप्लास इनवर्स, ये हो जाएगा पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम देखें तो ये इसका हमारा अवकलन का होगा, अवकलन जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ाई है अवकलन की प्रॉपर्टी, उसी प्रॉपर्टी से ये हल होगा। तो देखिए थोड़ा जल्दी चलें क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, थोड़ा जल्दी जल्दी इसको निपटा रहे हैं। तो इसको हम अवकलन कर लेते हैं सीधे सीधे अवकलन लेके चल रहे हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास आ जाएगा लाप्लास इनवर्स हो जाएगा ये। आ देखिए जब इसका इस चीज़ का हम अवकलन करेंगे, इस चीज़ का प्रथम हल और अंश का हम लगा करेंगे, हल का और अंश का लगा करिएगा आप कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू हो जाएगा, डी अपॉन डी पी हो जाएगा, वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको और थोड़ा सॉल्व कर लें, इससे वन अपॉन टू को बाहर निकाल लें, इस चीज़ से वन अपॉन टू को बाहर निकाल लो। देखिए जब बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का वन अपॉन टू लाप्लास इनवर्स हो जाएगा, डी अपॉन डी पी हो जाएगा, ये हो जाएगा वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। हुआ, इस चीज़ को और थोड़ा सॉल्व करो। ठीक, जब इसको और सॉल्व करोगे तभी कुछ ना कुछ इसका हल मिलेगा। इसका एक बार अवकलन अवकलन वाला फार्मूला अगर तुम्हें याद है या पीछे पलटा के देखना तो इस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हो। हम सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू, ये आ जाएगा माइनस वन की पावर वन। अगर लाप्लास पढ़े हैं तो लाप्लास से ही ये आया है। ठीक है, ये आ जाएगा लाप्लास इनवर्स वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर इस चीज़ को हमें पता है हम क्या लिख सकते हैं, इंटू टी भी यहाँ पे आएगा, इस चीज़ को पता है हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इस चीज़ को पता है तो ये आ जाएगा टी अपॉन हो जाएगा। देखिए इस चीज़ को क्योंकि ये साइन का फार्मूला होता है, साइन का फार्मूला होता है टू ए होता है, साइन का फार्मूला होता है वन अपॉन ए साइन ए टी होता है। ठीक है, वन अपॉन ए साइन ए टी होता है, तो यहाँ ए आ जाएगा तो ये हो जाएगा टू ए, माइनस माइनस प्लस कर देगा ये आ जाएगा साइन ए टी, आपका यही फाइनल आंसर होगा। बाकी क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, ये क्वेश्चन बहुत है, ज़्यादा क्वेश्चन बताए नहीं जा सकते। देखिए यहाँ से लेके क्वेश्चन सभी हल हैं, देखिए टिक लगा है तो इसका मतलब सब हल है, क्वेश्चन सभी हल हैं, बस वीडियो इतना लंबा बनाया नहीं जा सकता है, इसलिए आप देखते जाइएगा, हम क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, आप हल करिएगा, जो ना आए वो पूछिएगा। ये देखिए क्वेश्चन ये है, सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप लगाइएगा। ये देखिए सारे क्वेश्चन हल हैं, आप लगाइएगा, जब नहीं आए तो पूछिएगा। देखिए 15 तक हो गए, इधर आ जाइए, 16वां 17वां 18वां। इनके आंसर भी ले लीजिए, आपको मिलाने में काम देंगे। अब देखिए इधर जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है 16 17 18 जो पूछ रहा है, ये क्वेश्चन 16 17 18 जो कह रहा है का मान संचलन प्रमेय से ज्ञात करें, का मान हैवी साइड विस्तार विद से निकालें, का मान हैवी साइड विस्तार विद से निकालें। तो देखिए क्वेश्चन हमने बताया हमारे पास हल है, बस वीडियो पे हम आपको दे नहीं सकते, तो इसको आपको करना क्या है। देखिए 16 नंबर, चलिए हम क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे हल है उसकी बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो कह रहा है हैवी साइड विद से निकालिए ये रखा है,
क्वेश्चन नंबर 16 का मान संचलन प्रमेय से ज्ञात करें हैं। देखिए इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे, लिखने के बाद इसको सबको अलग अलग कर लें, इसका मान अलग लिख लेंगे, इसका मान अलग बना के लिख लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को लिखेंगे, पहले इसको अलग लिखेंगे, इसका मान e की पावर 2t हो जाएगा, इसका मान sin t हो जाएगा, इसको f1t मान लेंगे, इसको f2t मान लेंगे। मानने का संचलन प्रमेय होती है, आप देखिए किताब में दिया होगा, संचलन प्रमेय लगा इस चीज़ को हल लिख लीजिएगा, f2t इंटू f1t बराबर ये होता है, इसका मान उठा के यहाँ पर रख लीजिएगा, इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, लिमिट लगा लीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन हल है, लेकिन बस क्या है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए सारे क्वेश्चन हल नहीं किए जा रहे, यहीं से हम क्वेश्चन को ख़त्म कर रहे हैं, आप लोग लगाइएगा, ठीक है।